अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और आज डेली मोशन की लास्ट और फिफ्थ क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये क्लास आपने गौर से देखनी है क्योंकि ये पिछली चार क्लासेस का निचोड़ है और इस क्लास में हम देखेंगे कि बेस्ट कीवर्ड के साथ वीडियो किस तरह अपलोड की जाती है और इसके साथ साथ टैग और डिस्क्रिप्शन पर भी बात करेंगे ताकि हमारी वीडियो सर्च रिजल्ट यानी कि सर्च इंजन में आ सके। तो इसके लिए हम डेली मोशन की वेबसाइट ओपन करते हैं और जहाँ पर अपना चैनल लॉगिन करते हैं, ये मैं पहले से लॉगिन हूँ और यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं वीडियो को अपलोड करने के, एक आप ड्रैग कर सकते हैं, दूसरा सेलेक्ट वीडियो फाइल। तो मैं सेलेक्ट वीडियो फाइल पर क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही सिलेक्ट वीडियो फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बोला जाएगा कि अपनी फाइल सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो अपलोड करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर ली है और ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जब अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने अच्छा सा टाइटल देना होता है जैसे कि हम यूट्यूब में देते हैं। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, यहाँ पर मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन या हाउ टू, तो मैं हाउ टू सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने इंग्लिश सॉरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर ये देखना होता है कि आपकी वीडियो कहाँ पर चलनी चाहिए, कहाँ पर नहीं चलनी चाहिए, अलाउड इन, तो आप इसको बाई डिफ़ॉल्ट नो जियो ब्लॉकिंग रख दे तो कोई बात नहीं। ये जो मेन चीज़ है टैग है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो टैग आपने कहाँ से, जैसे कि हम यूट्यूब से लेते हैं, यूट्यूब के लिए टैग लेते हैं गूगल एडवर्ड से, तो आप इसके लिए भी गूगल एडवर्ड से ले सकते हैं। गूगल एडवर्ड का आपको अगर यूज़ नहीं आता तो मैं इसके लिए कल अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ। मेरे पास गूगल एडवर्ड ओपन है, तो यहाँ पर एडवर्ड ओपन करने के बाद हम कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड लिखना है और उसके मुतलक आइडियाज़ लेने के, इस कीवर्ड को लोग किस तरह सर्च करते हो और वही आपने उधर टैग में लिखने होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी होती है। मेरे पास ये सिलेक्ट है और यहाँ पर आपने मंथ सिलेक्ट करने होते हैं कि आप कितने मंथ का डेटा लेना चाहते हैं। तो आपने गेट आइडियाज़ पे क्लिक करना होता है। तो अगर आपको इसका कोई मसला है तो मैं आपको अलग से इसकी वीडियो बनाकर भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से आपने कीवर्ड सिलेक्ट करनी होती है कि कौन से कीवर्ड की ज़्यादा सर्चिंग है, जैसे कि ये देखिए लो लो यहाँ पर सब कुछ लो आ रहा है ना, तो ये देखो 10K है और 10K से 100K तक है और ये देखिए 1K से 10K तक के, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम यहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं। तो डेली मोशन में आप सिर्फ 3 कीवर्ड लिख सकते हैं, 3 से ऊपर नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो अपलोड किया हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फेसबुक लिख दूंगा। इसी तरह आप 3 3 वर्ड आप मिला कर लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नीचे भी फेसबुक की टिप्स एंड ट्रिक्स आ रही होती है, तो आप 10 कीवर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड डालने ताकि आपकी विजिबिलिटी जो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर आपने 5,000 की यानी कि करेक्टर डालने, तो इसके लिए आपने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है कि भाई मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आपने कीवर्डिंग डालनी है। तो कीवर्डिंग आपको कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप तो इतने खुद से लिख नहीं सकेंगे। या तो आप गूगल एडवर्ड से ले लें, ये सारा कॉपी करके उसमें डाल दें, या तो गूगल ओपन करें, यहाँ पर आप लिखें यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नीचे आ गया तो आपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है।
ये देख के YouTube SEO डिस्क्रिप्शन जनरेटर, तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने वो अपना कीवर्ड डालना है। तो मैं कीवर्ड मेरा है फेसबुक का अकाउंट, ठीक है, मैं अकेला फेसबुक दे देता हूँ या फेसबुक का अकाउंट लिख देता हूँ, सर्च विद SEO कर देता हूँ। यहाँ देखिए आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपने इनको सबको सेलेक्ट कर लेना यहाँ तक बोल के, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उस वीडियो में डाल देने हैं। वीडियो में डालने के बाद ये आपकी सारी कीवर्डिंग हो गई, क्योंकि ये स्पैम में नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि उन्होंने खुद ये लिखा है। ये देखें, इम्प्रूव यूअर विजिबिलिटी, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन एंड एड अ कपल ऑफ कीवर्ड, तो उन्होंने खुद कहा है, तो इसलिए हमारे ये स्पैम में नहीं जाता है। तो आपको टैग की भी समझ आ गई और डिस्क्रिप्शन की भी। यहाँ पर आप प्राइवेट रखें या प्राइवेट पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं पासवर्ड, या यहाँ पर एज, आपने एज यानी ओवर एज वाला कंटेंट है तो आप यहाँ पर भी चेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो करने के बाद आप पब्लिश कर दें, तो देखिए आपकी वीडियो पब्लिश हो गई। अब इसको आपने इसका थंबनेल कैसे सेलेक्ट करना है, अब मैं ये बता देता हूँ आपको। पब्लिश करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर एडिट वाला निशान आया हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज इमेज टू अपलोड, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है, तो आपने इमेज सेलेक्ट करनी है और थंबनेल अपलोड कर देना है। तो इस तरह आप, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर भी आप टैग वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आप खुद से लिखेंगे हाउ टू यूज, तो आप तीन कीवर्ड लिख सकेंगे, ठीक है, तो तीन से ऊपर नहीं लिखे जाते हैं, ये डेली मोशन में इंटर कर देना है। तो बस इस तरह आपने टैग लिखने हैं और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड डालने हैं ताकि आपकी वीडियो सर्च इंजन में जा सके। यहाँ पर भी आप सारी एडिटिंग करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो वीडियो रन होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेली मोशन का कोर्स अच्छा लगा होगा, और अगर आपको डेली मोशन के कोर्स या किसी वीडियो के मुतालिक या डेली मोशन के मुतालिक आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल, SMS या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी कोर्स के साथ या नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।